हेलो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का नई सुबह के नए ब्लॉग पे। देखिए अभी मॉर्निंग में 10 बजा है और इतनी बारिश हो रही थी सुबह। मॉर्निंग में तो काफ़ी बारिश हो रही थी, जमकर बारिश हुई आज दिल्ली में। अभी तो फ़िलहाल कम हो गई बारिश, और बारिश हुई ना ऐसा सुकून मिला, एकदम ठंडी हवा आ रही है। वाओ, ये देखिए फिर भी हल्का बूंदा बूंदी हो रही बारिश के। मुझे जल्दी पहुंचना है ड्यूटी में, क्योंकि नहीं तो मैं भीग जाऊंगी। अब भीगूंगी तो क्या होगा आपको पता है, बुखार आ जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी। इससे इसलिए मुझे बारिश से बचना है, अपना बचाव करना है बारिश से। सावन के महीने में चारों ओर हरियाली हरियाली छा जाती, कितना सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। देखिए तो आप लोगों को मैं एक और नया चीज़ दिखाने वाली हूँ। यहाँ पर पानी, बारिश हुई तो पानी इकट्ठा हो गया, और मैं अभी जा रही हूँ ड्यूटी। ये देखे इतने बड़े बड़े मेंढक हैं, ये ना मेंढक क्या क्या करने लगे मुझे। और मैं यहाँ से निकली थी, मुझे ना मैं डर गई। ये देखे इतने बड़े बड़े इतने तालाब में बहुत सारे मेंढक हैं। वो देखे वहाँ तो काफ़ी ज़्यादा है। अरे ये देखे मैं बैक कैमरा करके आप लोगों को दिखाती। बाबरे इतने सारे मेंढक भरे पड़े ना इस वाले तालाब में, काफ़ी ज़्यादा मेंढक ही मेंढक हैं। वो देखें वो साइड में और इधर भी हैं, ये आवाज़ सुन रहे हो गया। और इधर तालाब में दिखाई नहीं दे रही यहाँ के। मैं डेली गाइज इसी रास्ते से जाती हूँ, मैं पार्क होके जाती हूँ पैदल के मार्ग से। और मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कुछ आप लोगों को, जो पहाड़ी महिलाएं हैं खास उन लोगों के लिए, और जैसे पहाड़ी लैंग्वेज में बोलते हैं ना, भटकना हो गए तो काफ़ी मतलब मन ललचा रहा है, क्योंकि आप मैं दिखाती हूँ उस चीज़ को वो क्या है। हेलो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का नई सुबह के नए ब्लॉग पे। देखिए अभी मॉर्निंग में 10 बजा है और इतनी बारिश हो रही थी सुबह। मॉर्निंग में तो काफ़ी बारिश हो रही थी, जमकर बारिश हुई आज दिल्ली में। अभी तो फ़िलहाल कम हो गई बारिश, और बारिश हुई ना ऐसा सुकून मिला, एकदम ठंडी हवा आ रही है। वाओ, ये देखिए फिर भी हल्का बूंदा बूंदी हो रही बारिश के। मुझे जल्दी पहुंचना है ड्यूटी में, क्योंकि नहीं तो मैं भीग जाऊंगी। अब भीगूंगी तो क्या होगा आपको पता है, बुखार आ जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी। इससे इसलिए मुझे बारिश से बचना है, अपना बचाव करना है बारिश से। सावन के महीने में चारों ओर हरियाली हरियाली छा जाती, कितना सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। देखिए तो आप लोगों को मैं एक और नया चीज़ दिखाने वाली हूँ।
यहाँ पर पानी, बारिश हुई तो पानी इकट्ठा हो गया। और मैं अभी जा रही हूँ ड्यूटी। ये देखे, इतने बड़े बड़े मेंढक हैं, ये ना मेंढक क्या क्या करने लगे मुझे। और मैं यहाँ से निकली थी, मुझे ना मैं डर गई। ये देखे, इतने बड़े बड़े इतने तालाब में बहुत सारे मेंढक हैं। वो देखे, वहाँ तो काफ़ी ज़्यादा हैं। अरे ये देखे, मैं बैक कैमरा करके आप लोगों को दिखाती। बाबरे, इतने सारे मेंढक भरे पड़े ना इस वाले तालाब में, काफ़ी ज़्यादा मेंढक ही मेंढक हैं। वो देखे, वो साइड में और इधर भी हैं। ये आवाज़ सुन रहे हो क्या? और इधर तालाब में दिखाई नहीं दे रहे यहाँ के। मैं डेली गाइज इसी रास्ते से जाती हूँ, मैं पार्क होके जाती हूँ पैदल के मार्ग से। और मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कुछ आप लोगों को, जो पहाड़ी महिलाएं हैं, ख़ास उन लोगों के लिए। और जैसे पहाड़ी लैंग्वेज में बोलते हैं ना, भटकना हो गए तो काफ़ी मतलब मन ललचा रहा है, क्योंकि आप मैं दिखाती हूँ उस चीज़ को वो क्या है।